हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पालेस ट्यूटोरियल। आज का वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में कुछ यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहला कीबोर्ड शॉर्टकट की। एक्सेल का सीट में स्माइली आइकन आप कैसे ऐड कर सकते हो? तो एक्सेल का सीट में स्माइली आइकन ऐड करने के लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है Alt+1 से ही आप यहाँ पर स्माइली आइकन ऐड कर सकते हैं। तो बात करते हैं दो नंबर कीबोर्ड शॉर्टकट की। आप एक्सेल में कैसे प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है Ctrl+F2। Ctrl+F2 प्रेस करते ही आप यहां से प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं एंड प्रिंट का सारा सेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। बोथ देन सेल को हाइड करने के लिए सेल को सिलेक्ट करके सेल का कंटेंट का फॉन्ट कलर को बदल देता है। लेकिन इस तरीके से फॉन्ट कलर को बदल देने से हाइड तो हो जाता है, लेकिन आप जब ही इसका कलर को चेंज कर देते हैं तभी यहाँ पे क्लियरली नजर हो जाता है। तो ये कोई सही तरीका नहीं होता है सेल को हाइड करने का। तो सेल का कॉन्टेंट को हाइड करने के लिए आपको सबसे पहले जिस सेल को हाइड करना है उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करना है Ctrl+1। Ctrl+1 ओपन होने के बाद ही यहाँ पे ऐसा एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको नीचे कस्टम पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जेनरल को हटा के यहाँ पे आपको 3 सेमीकॉलन लगा देना है एंड सेमीकॉलन लगाने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो देख सकते हैं इस तरीका से यहाँ से ये सेल का कंटेंट हाइड हो चुका है। लेकिन आप यहाँ से ऊपर सेल का नंबर वगैरह कंटेंट वगैरह देख सकते हैं फॉर्मूला बार में। लेकिन फिर से इसको अनहाइड करने के लिए फिर से आपको सिलेक्ट करना है एंड Ctrl+1 प्रेस करना है एंड यहाँ पे जाके इसको जेनरल कर देना है एंड ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप फिर से इसको अनहाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के थ्रू हम लोग एक्सेल में किसी का फुल नेम को फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्लैश फिल कैसे यूज करते हैं तो चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम जिस सेल में अलग करना है उस सेल में सबसे पहले यहाँ पे पहला नाम है राम गुप्ता, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे फर्स्ट नेम राम एंड एंटर देंगे। नीचे आ जाएंगे एंड प्रेस कर देंगे कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E। Ctrl+E करने से ही देख सकते हैं यहाँ पे सबका फर्स्ट नेम फुल नेम से अलग हो चुका है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ से लास्ट नेम को अलग कर लेते हैं। तो लास्ट नेम को भी अलग करने का सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको लास्ट नेम जैसे यहाँ पे राम का टाइटल है गुप्ता, तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे गुप्ता एंड एंटर देके नीचे आ जाएंगे एंड प्रेस कर देंगे Ctrl+E। Ctrl+E प्रेस करते ही देख सकते हैं यहाँ पे सबका लास्ट नेम भी अलग हो गया है। तो नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल आता है कि अगर आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिया हुआ है एंड दो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को मर्ज करके आपको फुल नेम लिखना है, इसके लिए अभी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको फुल नेम टाइप कर देना है राम एंड स्पेस देंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे गुप्ता एंड एंटर देके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे प्रेस कर देंगे Ctrl+E। Ctrl+E प्रेस करने से देख सकते हैं फुल नेम मर्ज हो गया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है एंटर बटन से डाटा को पेस्ट करना। आप लोग को पता है कि Ctrl+V बटन को प्रेस करके डाटा को पेस्ट किया जाता है, लेकिन एंटर बटन को भी प्रेस करके हम लोग डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस टेबल को हम लोग को कॉपी करना है तो इसको हम लोग यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लिए है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को पेस्ट करना है तो जहां तक पेस्ट करना है वहां हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं Ctrl+V के सिवाय एंटर बटन प्रेस करके भी हम लोग डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है सेम कंटेंट को सेल में फिल करना। मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सेल, ये एक्सेल वर्ड ही यहाँ पे पूरा सिलेक्टेड सेल के अंदर फिल हो जाए। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको जहां तक फिल करना है वहां तक सिलेक्ट कर लेना है माउस से एंड यहाँ पे लिख देना है एक्सेल, मतलब आपको जो लिखना है एंड आपको कीबोर्ड से प्रेस कर देना है Ctrl+Enter। Ctrl+Enter प्रेस करने से ही सेम कंटेंट आपका सिलेक्टेड टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार हम लोग नंबर से ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले जहां तक हम लोग को फिल करना है वहां तक हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 45 एंड Ctrl+Enter प्रेस करने से ही देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली जो नंबर हम लोग लिखे थे वो फिल हो गया है।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है एक्सेल में हम लोग कैसे लिस्ट में से यूनिक नेम को सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिस्ट में क्लिक करके खड़ा हो जाना है एंड कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करना है ऑल्ट प्लस डाउन एरो, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ से आप यूनिक नेम को देख सकते हैं। दूसरा तरीका, आप नीचे कर्सर को ला लीजिए एंड यहाँ पे प्रेस कीजिए ऑल्ट प्लस डाउन एरो, तो यहाँ से भी आप यूनिक नेम को देख सकते हैं एंड इसको प्रेस करके यहाँ पे आप एड भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग टेबल में कुछ नाम लिखे हुए हैं एंड नीचे भी टेबल में कुछ नाम लिखा हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसका फॉन्ट को कर देते हैं बोल्ड इटैलिक एंड इनका फॉन्ट कलर को हम लोग बदल के कर देते हैं डीप ब्लू। तो मान लीजिए सेम फॉन्ट सेम स्टाइल हम लोग को यहाँ पे भी चाहिए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको इस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना कर लेना है जहां तक आपको करना है फिर से एंड आपको प्रेस कर देना है ऑल्ट एंटर। तो देख सकते हैं ऑल्ट एंटर प्रेस करने से यहाँ पे सेम स्टाइल मतलब लास्ट में आप जो स्टाइल अप्लाई करेंगे वही सेम स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करके इसको अंडरलाइन दे देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे भी हम लोग को अंडरलाइन देना है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस कर देंगे कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट एंटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी अंडरलाइन एड हो गया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है गो टू एक्टिव सेल। तो हम लोग बहुत बार होता है कि एक्टिव सेल को छोड़ के इधर उधर बहुत बार चल जाते हैं, तो डायरेक्ट गो टू एक्टिव सेल का मदद से आप एक्टिव सेल में वापस आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल बैक स्पेस। तो कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करते ही आप अपना एक्टिव सेल में वापस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है फ्रीज पैन। फ्रीज पैन के थ्रू हम लोग किसी भी टेबल का हेडिंग को फ्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए इस टेबल को हम लोग स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो इसका हेडिंग शो नहीं हो रहा है, तो लेकिन हम लोग फ्रीज पैन के थ्रू इसका हेडिंग को फ्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जिस हेडिंग को फ्रीज करना है उसका नीचे का लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम लोग इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लिए है, नंबर वन नंबर सेल को सिलेक्ट कर लिए है टेबल में एंड हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ। तो ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ प्रेस करने के बाद ही देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का टेबल का हेडिंग फ्रीज हो गया। फिर से इसको अनफ्रीज करने के लिए फिर हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ। तो ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ प्रेस करने के बाद ही देख सकते हैं हम लोग का हेडिंग अनफ्रीज हो गया है। तो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट को हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे एक डेट लिख लिए है एंड इसको हम लोग अगर ऐसे ड्रैग कर देंगे तो इसका साइड में एक पॉपअप बटन शो होता है, यहाँ पे क्लिक करके आप ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड पर में प्रेस करना है ऑल्ट शिफ्ट F10। तो ऑल्ट शिफ्ट F10 प्रेस करने के बाद आप ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। आप इसको माउस से भी ओपन कर सकते हैं या आप कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट शिफ्ट F10 प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हैं एंड अगेन आप इसको कीबोर्ड का अप डाउन एरो को प्रेस करके इनका यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हम लोग सेल में कैसे कमेंट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी सेल में हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन कोई नोटिस वगैरह ऐड करना हो तो हम लोग को कमेंट ऐड करना पड़ता है। इसके लिए आपको जिस सेल में कमेंट ऐड करना है उस सेल में क्लिक करके खड़ा हो जाना है एंड प्रेस करना है शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करने के बाद ही यहाँ पे कमेंट बॉक्स ऐड हो जाता है एंड यहाँ पे आपको जो नोटिस या रिपोर्ट लिखना है तो यहाँ पे आप लिख के रख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जब भी माउस का कर्सर को ले जाएंगे यहाँ से हम लोग का कमेंट शो हो रहा है। तो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है, मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे एक्सेल का सेल में कुछ लिखना है एंड हम लोग को मल्टीपल सेल में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम लोग कुछ लिख लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो नेक्स्ट आपको मल्टीपल सेल में लिखने के लिए यहाँ पे आपको ऑल्ट बटन को प्रेस करके एंटर देना है एंड आपको फिर से अगेन जो लिखना है लिख लीजिए, फिर अगेन आपको ऑल्ट बटन को प्रेस करके एंटर देना है। इस तरीके से आप ऑल्ट बटन को प्रेस करके रख के एंटर प्रेस कर करके मल्टीपल सेल में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है ऑटो सम। ऑटो सम मतलब हम लोग कैसे कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू इंस्टेंटली सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को इस दोनों को प्लस करना है तो यहाँ पे हम लोग जस्ट टाइप कर देंगे कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट इक्वल्स टू। तो ऑल्ट इक्वल्स टू देने से यहाँ पे इंस्टेंटली सम फंक्शन ऐड हो जाता है एंड एंटर देने से यहाँ पे सम ऐड हो गया है। हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है बॉर्डर्स।
मान लीजिए हम लोग को एक्सेल का सीट में कहीं पे बॉर्डर लगाना हो तो हम लोग इस कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के लिए इस टेबल पे बॉर्डर लगाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक बॉर्डर लगाना है। अगेन हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ HBA, तो देख सकते हैं ऑल्ट के साथ HBA प्रेस करने के बाद ही यहाँ पे टेबल में बॉर्डर लग चुका है। हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है, मान लीजिए हम लोग को आउटलाइन बॉर्डर देना है, तो इसके लिए हम लोग जहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर ले देना है हिस्सा को सिलेक्ट कर लेंगे एंड कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड बटन। कंट्रोल शिफ्ट एंड को प्रेस करते ही देख सकते हैं यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर लग चुका है। सो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है, मान लीजिए हम लोग को इस सेल में कुछ एडिट करना है, तो एडिट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप माउस से भी यहाँ पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप F2 बटन को भी प्रेस करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट का आगे कुछ एडिट करना है, तो आप अगर कीबोर्ड शॉर्टकट होम बटन प्रेस करोगे तो आप टेक्स्ट का आगे जाओगे, एंड अगर आप एंड बटन प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो आप टेक्स्ट का लास्ट में एडिट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको एडिट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग अजय का जगह राम का नाम लिख रहे हैं, तो मान लीजिए हम लोग को बीच में लिख फिर से पहला वाला नाम चाहिए, तो हम लोग कीबोर्ड से सिंपली एस्केप बटन को प्रेस करने से ही फिर से आगे वाला नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है स्ट्राइक थ्रू, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 855 एंड यहाँ पे हम लोग फिर से टाइप कर देते हैं 322। अगर हम लोग यहाँ पे पहले वाला सेल पे आके अगर हम लोग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्राइक लग चुका, मतलब ये नंबर और अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है सिलेक्ट इन डाटा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे इस टेबल के अंदर हम लोग को नेम का पूरा सेल को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए मान लीजिए नीचे बहुत सारा 1000-2000 सेल है, तो आपको फुल सेल को सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको जिस सेल को सिलेक्ट करना है उस पर खड़ा हो जाना है एंड आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करने से ही आपका फुल रो सिलेक्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को रो सिलेक्ट करना है, मतलब फुल रो को कैसे सिलेक्ट करना है, इसीलिए आपको जिस रो को सिलेक्ट करना है उस रो पे खड़ा हो जाना है क्लिक करके, एंड आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल स्पेस बटन, तो कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करने ही से ही आप देख सकते हैं आपका फुल रो सिलेक्ट हो जाता है। तो बात करते हैं हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को कॉलम सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग कॉलम सिलेक्ट करने के लिए जस्ट हम लोग प्रेस कर देंगे जिस कॉलम में सिलेक्ट करना है उस कॉलम पे खड़ा हो जाना है एंड प्रेस कर देना है शिफ्ट के साथ प्रेस बटन। शिफ्ट के साथ प्रेस बटन प्रेस करने से ही यहाँ पे आप रो सिलेक्ट कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है, मान लीजिए इस टेबल में हम लोग को कोई कॉलम को हाइड करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू, तो इसके लिए जो कॉलम आपको हाइड करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे हम लोग इस पे Q1 को सिलेक्ट कर लिए है एंड आपको कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल 0, तो देख सकते हैं कंट्रोल 0 प्रेस करने से ही हम लोग का कॉलम हाइड हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग हाइड किया हुआ कॉलम को फिर से शो कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट OCU प्रेस कर देना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर से हम लोग का हाइड किया हुआ कॉलम शो होना चालू हो गया है। फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट आता है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को रो को हाइड करना है, तो रो कैसे हाइड करना है इसके लिए पहले रो पे खड़ा हो जाना है क्लिक हो क्लिक करके एंड आपको कंट्रोल के साथ 9 की को प्रेस कर देना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का रो हाइड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगेन हम लोग रो को शो कराने के लिए हम लोग सबसे पहले जिस रो को हाइड किए हैं उनको हम लोग ऐसे माउस से सिलेक्ट करेंगे एंड हम लोग कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट 9। कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करने से यहाँ पे हम लोग का हाइड किया हुआ रोल फिर से शो होना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया है, अगर फिर भी आपका मन में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।